Hava eski ver, daha iyice bana. Koyayım yana sağ. आपको बता दूं जो ये जन अशोलिया यहाँ पे स्कीम शुरू की गई है, दवाइयाँ जो है यहाँ पे, ये पहले ही मैं बात करूं पेंटाप डीएसआर, अगर हमें दवाई 140 रुपए में बाहर से मिलती है, यहाँ वो 18 रुपए में 10 टेबलेट मिलते हैं। हमारे जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद दवाइयाँ हैं ये। और आप बोलोगे आप इसमें कोई फर्क है, फर्क तो कोई नहीं, दवाई तो सेम है, लेकिन इसमें रेट में बहुत सारा फर्क है और हमारे लोग अभी इसके लिए अवेयर नहीं है। मैं अपने लोगों से कह देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आइए जनाब, एक बार लिए, मैंने खुद दी, मैंने खुद आजमाया, ये दवाई हमारे फायदे के लिए है जनाब, हमारे लोग गरीब लोग हैं जो उनके फायदे के लिए खास कर कुछ कंप्लेंट्स थी कि हॉस्पिटल सही से नहीं फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। दूसरा चीज़ क्या है, रूटीन का भी इंस्पेक्शन है। तीसरा है जन औषधि की फंक्शनिंग में थोड़ा सा हमें देखना भी था कि जन औषधि वास्तव में जो जन औषधि केंद्र है वहाँ दवाइयाँ ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं लोग वहीं से ले रहे हैं कि बाहर जा रहा है, और इसमें इसकी क्या 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 लेवल पर सुधार करने की जरूरत है, तो वही एक्चुअली देखने हैं। तो सर आपने प्लान में रखे हैं कोई डायरेक्टरेट से भी, मतलब मिशन डायरेक्टरेट और सेक्रेटरी तक उनके थ्रू भी रिक्वेस्ट देंगे। सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं, हमने उस पर एक ऑलरेडी कमेटी बनाई हुई है, वो उसकी जांच कर रहे हैं, तो जब जैसे वो हमें पता चलेगा रिपोर्ट जो आती है एक्शन होगा, लेकिन पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली सही में लापरवाही ही थी या रीज़न कोई और था, तो एक बार हम उसको एसर्टेन करके फिर आते हैं। जन औषधि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं जो भी लिखते हैं, पहले आप जन औषधि केंद्र पर जाइए, वहाँ दवाएं बहुत सस्ती मिलती हैं और वही सेम फॉर्मूले की दवाएं सस्ती मिलती हैं, पहले आप वहाँ से लीजिए। अगर कुछ ऐसी दवाएं जो हैं नहीं मिलती हैं तब आप बाहर लीजिए, उससे आपका क्या होता है, अच्छी दवाएं भी मिल जाएंगी, कम पैसे मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों से भी मैं अपील करता हूं, अगर कहीं आपको ऐसी कंप्लेंट आती है कि लोग डॉक्टर्स जो है या फिर स्टाफ जो है वो जानबूझकर अवॉइड करता है, आपको ऐसी दवाएं नहीं देते हैं या फिर अवेलेबल होते हुए भी नहीं देते हैं, लिखते नहीं, तो फिर आप हमारी नोटिस में लाइए, हमारे तहसीलदार साहब, SDM साहब, PMO साहब और CMO साहब और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए और इसमें आप हमारा सहयोग करें।